मैं आपका ध्यान धारा 304 ए आईपीसी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जो एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, तो उसमें ये लिखा जाता है। महोदय, 2021 का जो आंकड़ा है उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सीडेंट हुए, 1,55,000 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, और इसमें 68% जो संख्या है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो लाइफ का प्राइम एज होता है, देश के प्रोडक्टिविटी में काम आता है। महोदय, जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 3.7 लाख है। हत्या में इस देश में जो 2021 में हत्याएं हुई हैं, जिसमें लोग 30,000 लोग मारे गए, तो एक्सीडेंट में जो मारे गए हैं उनकी संख्या मर्डर से 5.17 गुना है। ये बड़ा अलार्मिंग है महोदय। एक्सीडेंट में जो मुकदमे कायम होते हैं उसमें सजा है 2 साल की, और वो थाने से अवेलेबल है। चाहे कोई एक्सीडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों को दबा दे, किसी को झोपड़ी में घुसा दे, तब भी सजा मात्र 2 साल की है। और जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 85.4% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। महोदय, मेरा ये कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, वही चलाते हैं, और आज भी जो है बड़ा वर्ग है उसी के पास है, तो थाने से ही अवेलेबल हो जाए, एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि धारा 304 ए है उसमें अमेंडमेंट करके एक धारा जोड़ा जाए, 304 ए। अगर एक्सीडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उसमें सजा का प्राविधान भी ज़्यादा होना चाहिए और उसमें फाइन भी ज़्यादा होना चाहिए जो मृतक के परिवार को दिया जा सके। इसलिए मेरा अनुरोध है महोदय कि ये 304 ए में कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए, जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, और वो जुर्माना जो मृतक का परिवार है उसको दिया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है महोदय।